हेलो व्यूवर्स आप सबका स्वागत है फिनिक्स वे लीगल चैनल में तो येट अगेन हम आए हैं एक बहुत ही अच्छे रीसेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में जहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है कि क्या डॉक्यूमेंट का अगर प्रॉपर्ली स्टैम्प डॉक्यूमेंट जो होता है मतलब स्टैम्प ड्यूटी जो देनी होती है डॉक्यूमेंट में अगर वो हम नहीं देते हैं और जस्ट वो डॉक्यूमेंट हम जो इन स्टैम्प ड्यूटी वाला जो डॉक्यूमेंट है अगर हम कोर्ट पर खाली डाल देते हैं तो क्या उसकी गवाही मानी जाएगी या नहीं जाए मानी जाएगी तो इसी से रिलेटेड एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है वो होता है कि कोर्ट पर जब हम डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं तो वह एग्जिबिट होती है है ना एग्जिबिट भी होती है और वो मार्किंग भी होती है तो डॉक्यूमेंट का सिर्फ एग्जिबिट होना ही डॉक्यूमेंट को क्या मान लिया जाता है या नहीं कानून की क्या प्रक्रिया है क्या प्रोसेस होता है आ, ये हर उन लॉयर्स ये लॉ स्टूडेंट्स को देखना चाहिए साथ ही साथ में जिनका केस कोर्ट में चल रहा है और वो कुछ डॉक्यूमेंट्स डाले हैं तो उनको पता होना चाहिए कि सिर्फ डॉक्यूमेंट डालने से ही गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है उसके साथ साथ में गाड़ी में पेट्रोल भी डालना पड़ता है तो ये पेट्रोल क्या होता है कानून के हिसाब से इसमें क्या होना चाहिए ये हम जानेंगे इस आ, केस लॉ जो सुप्रीम कोर्ट का जो केस लॉ है इसके थ्रू हम जानेंगे तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज वी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारा चैनल जो है हिंदी में आ, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं उनका अनालसिस करता है सिविल को केसेस के जजमेंट को तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा साथ ही साथ में फिनिक्स भी लीगल बहुत सारे लॉ कोर्सेज के साथ में आता है लॉ स्टूडेंट्स इन लॉ यंग लॉयर्स के लिए चाहे वो सिविल कोर्ट प्रैक्टिस से लेकर हो या फिर आपका सिविल ड्राफ्टिंग क्रिमिनल ड्राफ्टिंग या कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग को लेकर भी हो साथ ही साथ में जितने भी लीगल फॉर्मेट्स होते हैं उसके साथ भी आता है तो आप फिर भी लीगल पे सारा लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो तो चलिए हम आते हैं बिना किसी देरी का इस सुप्रीम uh, कोर्ट के जो जजमेंट पे नाम क्या है केस टाइटल क्या है इसका? इसका इसका नाम है विद्युत सरकार एंड अदर्स वर्सेस कांचीलाल पाल थ्रू लीगल हैज़ इसका सिविल अपील नंबर है वन जीरो फाइव जीरो नाइन वन जीरो फाइव जीरो वन जीरो ऑफ टू थाउजेंड थर्टीन ये इसका कॉस्ट टाइटल इसका भी मैंने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है तो पहले हम इस केस का फैक्ट्स ऑफ द केस समझने से पहले हमें जो मैंने इनिशियली मैं वीडियो को स्टार्ट करते हुए बोला था कि कोर्ट में जब भी डॉक्यूमेंट्स की गवाही जब होती है तब तो दो शब्द निकल कर आता है कोर्ट के प्रोसेस में एक तो आता है दिस डॉक्यूमेंट हैज़ बिन एग्जीबिटेड और ये डॉक्यूमेंट का ये उसका एग्जिबिट नंबर वन टू जो भी है और पी डब्ल्यू वन का जो रहता है वो लग जाता है और कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स वही कुछ डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ मार्किंग होती है जिस डॉक्यूमेंट हैज़ बीन मार्क्ड ठीक है, है।, है? अब इस दोनों में फ़र्क क्या है मार्क और एग्जिबिट में देखिए अगर हम लीगल सेंस में चले तो कोई बहुत बड़ा डेफिनेशन कहीं पे निकल कर नहीं आता जहाँ पे इनका बारे में डिफरेंस बताते हैं क्योंकि दिस इज़ कम्प्लीटली ये कोर्ट प्रोसेस ये कोर्ट के प्रोसेस है बहुत लंबे समय से इसमें से चला चल कर आ रहा है लेकिन कोई रीज़न तो होगा है ना तो यूजली यूजअली मैं बोल रही हूँ इसमें मैं आपको हंड्रेड परसेंट करके नहीं बोल रही यूजली क्या होता है जो डॉक्यूमेंट <coughs> एग्जिबिटेड हो जाते हैं है ना जो डॉक्यूमेंट एक्जिबिटेड हो जाते हैं एग्जिबिट होकर उस पर लग जाता है पी डब्लू वन का ये डॉक्यूमेंट था और ये डॉक्यूमेंट का नंबर ये है कहीं ना कहीं उस डॉक्यूमेंट को मान लिया जाता है कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट की एडमिसबिलिटी हो जाती है यहाँ पर अगेन मैं बोल रही हूँ वर्ड यूजअली मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट के एग्जिबिट होने का और उनका मार्किंग होने का बहुत ही थिन लाइन का डिफरेंस होता है अब ये डिफरेंस क्या है आपका डॉक्यूमेंट शायद एग्जिबिट भी हो गया है लेकिन वो प्रूव नहीं हुआ है तो ठीक है तो यही डिफरेंस आ जाता है कि डॉक्यूमेंट आपकी मार्किंग हुई है मार्क अगर खाली हुआ है एग्जिबिट नहीं हुआ है तो सीधा सीधा उसका ये होता है कि ये डॉक्यूमेंट प्रूव नहीं हुआ है मतलब तो ये डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कोर्ट नहीं कर रहा है किन डॉक्यूमेंट को कोर्ट कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है अगर आपने कोई मेन डॉक्यूमेंट का सिर्फ फोटो लगाया है वो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट कभी नहीं होगा वो डॉक्यूमेंट सिर्फ मार्क होगा ठीक है लेकिन आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाया एग्जिबिटेड हुआ है लेकिन क्या फिर भी डॉक्यूमेंट प्रूव हुआ है आंसर इज अगेन नो डॉक्यूमेंट को प्रूव करने की बहुत सारी चीजें होती हैं क्या चीजें होती हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डॉक्यूमेंट डाला एक मैंने फॉर एग्जाम्पल विल ही डाला मैंने ठीक है ये विल मैंने डाला ये ओरिजिनल विल डाला एकदम एग्जिबिट हो गया है वन हो गया क्या विल प्रूव हुआ है द आंसर इज नो विल को प्रूव करने का कानून के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपको साथ में करना पड़ेगा आपको उस विटनेसेस को लाना पड़ेगा जिसने विल लिखा है आपको उसके जो विटनेसेस जो साइन करें उनको लाना पड़ेगा है ना जो उन्होंने उस वक्त साइन किया है अगर हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है तो हैंड राइटिंग को आपको प्रूव करना पड़ेगा बहुत सारी और भी चीज़ें होते हैं जो अपना विल को प्रूव करने के लिए लॉ के हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है चलिए तो मैंने विल का बताया चलिए हम डिफरेंट दूसरे डॉक्यूमेंट पर जाते हैं हम आ जाते हैं एग्रीमेंट ऑफ सेल पर जो इस केस लॉ का एक बहुत बड़ा पार्ट भी है आपने से वो केस लॉस को कोर्ट में डाल दिया ओरिजिनली डाला आपने ठीक है और वो चलिए वो एग्जिबिट भी हो गया मार्क नहीं हुआ वह एक्जिबिट भी हो गया लेकिन क्या तो उसका सीधा मतलब है कि वो एग्रीमेंट ऑफ सेल एक्सेप्ट हो गया कोर्ट की तरफ से प्रूफ हो गया वो डॉक्यूमेंट द आंसर इज अगेन नो उस डॉक्यूमेंट को जो प्रूफ करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो होना जरूरी है तभी जाके वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड होगा ना अभी बहुत लोगों के मन पर सवाल आ रहा है तो फिर फायदा क्या साकुम बहुत सारे केसेस में हमें साकुम एविडेंस भी क्रिएट करना पड़ता है द डॉक्यूमेंट इट्स जो होता है वो कहीं ना कहीं साकुम एविडेंस क्रिएट करता है तो वहाँ पे पड़ता है लेकिन जहाँ पे डॉक्यूमेंट इट्स इज द बैकबोन ऑफ द केस देखिए सकुम साइसर के लिए जो डॉक्यूमेंट यूज हुआ दैट वो डॉक्यूमेंट की उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी उसके बिना उसके बिना भी केस शायद चल सकता था लेकिन है तो वो थोड़ा सा एडिशनल वेट हो गया केस में लेकिन जहाँ पे डॉक्यूमेंट ही बैकबोन होता है जैसे स्पेसिफिक रिलीफ का केस हुआ जहां पर आपका पूरा केस ही वो एग्रीमेंट टू सेल पर डिपेंडेंट है तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट को प्रूव करना 100 परसेंट जरूरी होता है और डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए जो उससे कनेक्टेड लॉ होता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं यहाँ पे एग्रीमेंट ऑफ सेल की बात करूँ तो वो क्या क्या बात करता है रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या क्या बात करता है वो सारी चीज चीज़ें चीज़ होनी चाहिए तभी जाके आपका वो डॉक्यूमेंट प्रूव होता है तो चलिए समझिए अब आप एग्जिबिट और मार्किंग का डिफरेंस अब आप बोलोगे कि इस केस में क्या बात है देखिए इस केस का जो अगर मैं केस स्टोरी पर आती हूँ तो यहाँ पे डिस्प्यूट uh, था एग्रीमेंट टू सेल था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल हुआ था जैसा मैंने आपको बोला था ये डॉक्यूमेंट कोर्ट पे दिखाया गया था एग्रीमेंट टू सेल डॉक्यूमेंट दिखाया गया था और ये एग्जिबिट भी हुआ लेकिन ये कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया इस डॉक्यूमेंट को क्या कारण से एक्सेप्ट नहीं किया देखिए एग्जिबिट वाले लेकिन कोर्ट ने उस डॉक्यूमेंट को नहीं माना क्यों नहीं माना क्योंकि इस केस में वो जो डॉक्यूमेंट था एग्रीमेंट टू सेल का जो डॉक्यूमेंट था वो जितना स्टैंप ड्यूटी देके बनना चाहिए था फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ की बात करूँ दिल्ली की बात करूँ तो यहाँ पर अगर हम एग्रीमेंट टू सेल बनाते हैं एक सिंपल से एग्रीमेंट भी बनाते हैं तो मिनिमम यहाँ पे सौ रुपया का डॉक्यूमेंट लेना सौ रुपया का बॉन्ड पेपर स्टैम्प पेपर लेना पड़ता है वो मिनिमम उसका रिक्वायरमेंट होता है अगर मैंने बीस रुपये का स्टैम्प पेपर लेकर वो एग्रीमेंट टू सेल बनाया तो वो जो रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो लॉ है जो स्टैम्प ड्यूटी का जो एक्ट है उस पर वो सही नहीं बैठा है तो कानून को एक तोड़ हुई उसका वा, उसका वाइडेंस हुआ मतलब उसको ठीक से पालन नहीं किया तो कहीं ना कहीं उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करने में खाली उसके कंटेंट्स भी नहीं इन सारी चीज़ों को भी देखा जाता है तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि लॉ के हिसाब से भैया आपको अगर एग्रीमेंट टू सेल बनाना हर एक स्टेट का अलग होता है तो आपको मिनिमम मैं यहाँ की बात कर रही तो मिनिमम सौ रुपये का तो आपके पास में स्टैम्प ड्यूटी लेना था तो बिना स्टैम्प सौ रुपये का आपने स्टैम्प पेपर लिए बिना अगर बीस रुपए बनाते हो तो कानून की नज़र में ही वो वैध नहीं रहता है तो या तो आप और, और, और अस्सी रुपये का और स्टैम्प पेपर ला के उस पर लगा दो तब वो सौ रुपये को कंप्लीट कर देता है आपने वो नहीं किया है तो आप उसका ऐसे एन एविडनेंस अगर कोर्ट में यूज़ करते हो ये बोलते हुए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कि मेरा तो एग्रीमेंट हुआ था और इसका ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करे तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सबसे पहले का जो मेन स्टेप जो एग्रीमेंट आप कर रहे हो एग्रीमेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए स्टैम्प ड्यूटी चाहिए स्टैम्प ड्यूटी की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है अगर आप पूरा नहीं करते तो वो डॉक्यूमेंट आपका एक्सेप्ट ही नहीं होता है तो यहां पे मार्क तो हो भी गया एग्जिबिट भी हो गया लेकिन एक्सेप्ट वो डॉक्यूमेंट कोर्ट ने नहीं माना और कोर्ट ने यही ऑब्जर्वेशन इसमें दिया है कि आर्गुमेंट एडवांस बिहार ही वुड भी इंटाइटल टू गेट बेनिफिट ऑफ सेक्शन थर्टी सिक्स ऑफ द स्टैंप एक्ट एज अ डॉक्यूमेंट है उसने बोला कि जो स्टैंप एक्ट के हिसाब से जो थर्टी सिक्स है उसके हिसाब से तो यह एग्जीबिट भी हो गया है ना तो इसको तो एक्सेप्ट करना चाहिए होल्ड नो ग्राउंड इन ए सच दैस डॉक्यूमेंट फाउंड टू बी इनसफिशेंटली स्टैम्प एंड वस मार्क्स एक्जिबिट विद ऑब्जेक्शन एंड दट ऑब्जेक्शन है विविव नॉट बीन रिमूवड अ क्यूर तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट तो एक्जिबिट हुआ लेकिन विद ऑब्जेक्शन एक्जिबिट हुआ था ठीक है दूसरा पार्टी के पास पूरा राइट ऑब्जेक्शन करने एडमिट नहीं करने दिया उसने ऑब्जेक्शन किया जब ऑब्जेक्शन हुआ है तो आपको तो वो डॉक्यूमेंट को प्रूव करना और आपकी जरूरी बन जाती है और आप डॉक्यूमेंट को प्रूव नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट वो इनसफिशियंटली स्टैम्प्ड है मतलब उसका स्टैम्प ड्यूटी एक्ट के हिसाब से भी वो सही नहीं बन रहा है In this regard, a reference was made in the case of Ramratan. पहले गए नाइनटीन सेवेंटी एट का एक जजमेंट है उसके बारे में बोला गया है जहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं ये जितने भी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना अपना एग्रीमेंट्स वगैरह जो होते हैं उसको इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है इसके एग्जीबिशन और उसके ऑब्जेक्शन के ऊपर में ये बहुत अच्छा केस लॉस बनाया गया है और अगर ऑब्जेक्शन हुआ है तो उसको रिमूव कैसे करते हैं तो जो भी लॉ स्टूडेंट्स या लॉयर्स उसको देख रहे हैं ये जजमेंट को जरूर लिख लीजिएगा राम रतन करके है कुछ इसका भी मुझे मैं निकालती हूँ अगर हमें देगा तो ये ऑब्वियसली अब एविडेंस में है और बहुत अच्छा जजमेंट ये होने वाला है आई एम गोइंग टू बेका वीडियो ऑन दिस जजमेंट तो इसलिए कोर्ट डिसएग्री करा और उन्होंने वो डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया बोले कि आपने ये डॉक्यूमेंट को प्रूव ही नहीं किया क्योंकि इन सफिशेंटली स्टैंप्ड है और इसके वजह से वो कोर्ट ने उसके जो क्लेम है स्पेसिफिक रिलीफ का वो रिजेक्ट कर दिया तो आई होप यू बस आपको आज का वीडियो अच्छा लगा अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर शे, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो